उत्तरम यथ समुद्रस्य हिमाद्रैश्च चैव दक्षिणम्. The land situated to the north of the great oceans, to the south of the great snowy mountains, where dwell the descendants of Bharata. So we, the descendants of Bharata, with the rich heritage of culture, of spirituality, and the fact that this is the land where were birthed some of the most important human innovations, armed with all of this, we march towards our dream of Viksit Bharat during this Amrit Kal, drawing from the profound well of Sanskritic wisdom, our cultural roots, to help create a Samasta Samaj, a uniformed community, to contribute towards Samriddh Bharat, an economically prosperous India. This is the largest such summit in India that weaves a tapestry of culture, Sanskriti, spirituality, Adhyatmikta, and economy, Arthavyavastha, to lead us towards an era of holistic development. Path of righteousness, Dharma, pursuit of wealth, Artha, fulfillment of desires, Kama, and the ultimate liberation, Moksha. We at Maitri Bodh Parivar understand this, and that's why we bring you Maitri Cultural Economy Summit, first and largest of its kind. जो केवल पढ़ा लिखा इंफॉर्मेटिव आदमी होता है, जब विपरीत हो जाता है तो वो राक्षस की तरह हो जाता है, और जो सरस होता है, सरस विपरीताश्चेत सरसत्वम न मुंचते, दोनों तरफ सरस है, तो जब कल्चर नॉलेज में इकट्ठा हो जाता है तो वह अपने आप में उसकी सरलता और सरसता नहीं जाती. तो कल्चर और नॉलेज और इकोनॉमी, इन तीनों का समिश्रण, ये जो दादाश्री के शब्दों में संस्कृति, समष्टि और समृद्धि को हम प्राप्त करेंगे. मैं जोरदार तालियों के अभिनंदन के साथ माननीय मंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी. श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, एंड ही इज आल्सो सर्व्ड एज कल्चरल मिनिस्टर इन द इयर्स. आइए सर. पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित. तो वो आप प्रेम फैला रहे, उसके लिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका प्रणाम. सरकार की पहली प्राथमिकता है भारतीय संस्कृति का विकास करना, लेकिन समाज के जो दूर से ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि समाज में जो कुरूतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करना, जिससे हमारी ये कल्चरल वैल्यू बढ़े और हम वर्ल्ड लीडर बने. ये फेस्टिवल, ये टेम्पल, इसमें तो इंडिया ही वर्ल्ड लीडर है ना, फिर हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? जो कमी है उसको दूर करना है. मैत्री दादा श्री जी को समर्पित है पंक्ति. जब वर्षा होती है तो प्रकृति खुश होती है, जब वर्षा होती है तो प्रकृति खुश होती है, और जब कोई संत आता है तो संस्कृति खुश होती है. बहुत बहुत धन्यवाद. आप में से कितने लोग हैं जो सच में सोचते हैं या महसूस करते हैं या चाहते हैं कि हमारा देश सच में अग्रणी हो विश्व स्तर पे? पर हम वाकई वहाँ पहले थे. हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें हमारे जैसे बनना है बस. कुछ नया वैसे करने की ज़रूरत नहीं है. हम जब नए की बात करते हैं, इसका मतलब आप कहीं पर अपनी पहचान भूल गए हो. अगर आप भी सभी अपने जीवन में कहीं भटक गए हैं, अटक गए हैं, फंस गए हैं, इसका मतलब आपने अपनी पहचान को कहीं पर तो गंवा चुके हो, भूल गए हो. जब आपको आपकी पहचान मिलेगी तब देश को देश की पहचान मिलेगी. जब आपको आपके संस्कारों के बारे में पता चलेगा तब देश को भी अपने संस्कारों के बारे में पता चलेगा, तब वाकई देश उस स्थान पर पहुंचेगा, विश्व गुरु के स्थान पर. अरे वो उनका है और मैं इनका हूँ, ये जो मेरा तेरा है, ये मेरा तेरा जो है, यही तो भेद है ना.
यही भेद देश में लोगों को तोड़ता है। अब मेरा तेरा नहीं होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए। जहां तक मैं ये मानता हूं कि हमारे देश की एक विशेषता है, वह हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। आज भी पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति में, विशेष रूप से योग विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, इन सब बातों का अनुकरण बड़े प्रमाण पर किया जाता है। हमारे देश में हमारे संस्कृति के आधार पर जिन साधु संतों ने पूरे विश्व में जाकर जो जागरण किया है, उसको बहुत बड़ा समर्थन भी प्राप्त हुआ है। एक बात सही है कि विवेकानंद जी ने जो कहा है कि नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, इसलिए हमें जो भविष्य का भारत, विकसित भारत निर्माण करना है, उनको आर्थिक दृष्टि से भी हमारे देश को समृद्ध और संपन्न बनाना है। संस्कृति, समष्टि, समृद्धि, इट इज विद इंटरकनेक्टेडनेस एंड बैलेंस ऑफ ऑल दीज दैट वी कैन ग्रो अगेन। ट्रांसफॉर्मेशन इज एसेंशियल टुडे। ग्रोथ इन ऑल क्वार्टर्स ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फॉर दैट वी नीड मैत्रीबोध परिवार टुडे। दैट इज अवर मिशन, टू ट्रांसफॉर्म एंटायर ह्यूमैनिटी, टू बैलेंस ग्रोथ, टू टीच वर्ल्ड विच इज डिफरेंट देन वॉट इज वेस्टर्न वे ऑफ ग्रोथ, बट अवर ओन वे ऑफ ग्रोथ विच बैलेंसेस एवरीथिंग। धर्म से जुड़ने का मतलब यह नहीं होता कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह से जुड़ना। धर्म से जुड़ने का मतलब है कि आपके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां पैदा हो जो दरअसल सामाजिक सेवा की प्रवृत्ति हो, लोगों को की मदद करने की प्रवृत्ति हो, और जिनको जो जरूरतमंद हैं उन जरूरतमंद लोगों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते तो सद्भावना तो रख ही सकते हैं। हम मानते हैं कि कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होगा कि उनको अगर अपना मन एकाग्र करना है तो सामने कोई मूर्ति चाहिए, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित चाहिए, और उस मूर्ति की सेवा के द्वारा वो अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता बना करके अपनी श्रद्धा से भगवान को पा लेते। हमने ये भी माना कि कुछ लोगों को मूर्ति नहीं चाहिए, वो गुणों की पूजा कर लेते हैं, सत्य की, अहिंसा की, और वो उन गुणों की पूजा करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते। हमने ऐसा भी माना कि कुछ लोगों को गुण भी नहीं चाहिए, वो निर्गुण निराकार की पूजा करते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। हम लोग इन चारों रास्तों को सत्य मानते हैं, और इसलिए मेरे लिए मेरा सत्य उतना ही ठीक है जितना आपके लिए आपका सत्य। ये सपना हम सब देख रहे हैं, संस्कृति के द्वारा, समष्टि के द्वारा, समृद्धि के द्वारा, तभी हम एक विश्व गुरु के स्तर पे भारत को देख पाएंगे। अगर सही मायने में, सही मायने में अगर हमें एक ग्रैंड भारत बनाना है तो हमें ब्रांड भारत के लिए काम करना होगा।